हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी जर्नी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैसी रही, कैसे मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आया था, मैं कब से ऑस्ट्रेलिया आने की ट्राई कर रहा था और मेरे को इन बिटवीन क्या क्या परेशानियाँ आई हैं यहाँ पे आते हुए। मैं आज आप सबको वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, कैसे मैंने अपना टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे लगवाया और उसके बाद कैसे मैं स्टूडेंट यहाँ पे आके बना। तो चलो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जब मैंने फॉरेन कंट्री आने का प्लान किया था, मैंने 2016 में अपनी प्लस टू पास आउट कर ली थी, जो मेरी 12th क्लास थी। उसके बाद मैंने प्लान करना स्टार्ट किया, मेरे 6.5 आइल्स में बैंड भी आ गए थे, जहाँ का भी फाइल का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर रहा था। जैसे सबसे पहले मैंने कनाडा का ट्राई किया, कनाडा का मेरा 2017 में रिफ्यूज़ल आ गया, 6.5 बैंड होने के बावजूद भी मेरा कनाडा से रिफ्यूज़ल आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने न्यूजीलैंड का ट्राई किया 2018 में, न्यूजीलैंड का तो सबका वीज़ा आ जाता है, वहाँ से भी मेरा रिफ्यूज़ल आ गया था। तो मैं टोटली डिप्रेस था, तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो 2019 में मेरे को एकदम से कॉल आती है एजेंट की, जहां से हमने मेरी सिस्टर की फाइलिंग करवाई थी, मैम का फ़ोन आता है मेरे पास, नमन इंटरनेशनल उनका इंस्टीट्यूट है, वो मेरे को फ़ोन करते हैं, इनका इंस्टीट्यूट जो नमन इंटरनेशनल है करनाल में है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। वो मेरे को फ़ोन करती है, उनको मेरा पता होता है कि मैं फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उनको मेरा पता होता है कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं पंकज क्या अब भी आप फॉरेन कंट्री का प्लान कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैम क्यों नहीं, 2019 में जब उनकी कॉल आई कि मैं कर रहा हूँ मैम, कोई रास्ता हो तो आप बताएँ। तो कहते हैं मेरी सिस्टर को तब ऑस्ट्रेलिया गए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हुए थे, 3 महीने होने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी सिस्टर अपने कॉलेज से एक लेटर भेज सकती है, लेटर भेजने के बाद वो आपको इनवाइट करेगी, उसमें यही मेंशन होगा कि ये मेरा ब्रदर है, मैं इसको बुला रही हूँ, मेरे पेरेंट्स का उस लेटर में नाम मेंशन था। तो हम तीनों फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट नंबर और नाम, तीनों चीज़ें मेंशन थी इस लेटर में। वो लेटर जब मेरी सिस्टर ने मैम को भेजा, फिर उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, मेरे पासपोर्ट्स की डिटेल, मेरे पेरेंट्स के पासपोर्ट्स की डिटेल, उन सभी डिटेल्स को उन्होंने गैदर किया अपने पास, इकट्ठा किया। और फाइनेंशियल मेरे ख्याल से हमने तब टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा अकाउंट में फंडिंग नहीं चाहिए होती है, 5-6 लाख रुपए ही हमने दिखाए थे, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपीज 5-6 लाख रुपए और ITR की कॉपी, जो इनकम टैक्स रिटर्न हम भरते हैं, जो कि सब वहाँ पे इंडिया में टैक्स से बचने के लिए 4-4.5 लाख तक की भरते हैं, वही हमारी थी ITR, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे। और मेरा यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आ गया था 2019 में, मेरा अप्रैल, आज भी मेरे को याद है, मेरा 10 अप्रैल को यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आया था। 10 अप्रैल को टूरिस्ट वीज़ा आने के बाद मैंने 10 मई की अपनी फ़्लाइट की टिकट करवा ली थी अपने पेरेंट्स के साथ, और मैं यहाँ पे 10 मई को लैंड हो गया था टूरिस्ट वीज़ा पे, जिसमें मेरी कंडीशन आई थी कि 3 मंथ्स के बाद मेरे को कंट्री आउट करनी है। तो उस कंडीशन के साथ मैं यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने लोकल लॉयर से कंसल्ट किया कि भाई क्या ये टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में चेंज हो सकता है, और मेरे को कोई अच्छा सा कोर्स बताएं जिसमें मैं PR भी हो जाऊं और उसकी फ़ीस भी कम हो। तो एजेंट्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप कुकरी में एडमिशन ले लो। तो मैंने फिर अपनी इंडिया से जो मेरी एजेंट थी उनसे कंसल्ट किया कि क्या मेरा यहाँ पे कुकरी में एडमिशन हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूछे मेरे से। यहाँ पे आने के बाद मैं एक चीज़ और मेंशन आपको करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद आपका गैप मैटर नहीं करता कि आपकी स्टडी में कितना गैप है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया, मेरी 2016 में प्लस टू पास आउट हो गई थी, तो उसके बाद मेरी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ तो लगभग ये 3-4 साल का स्टडी में गैप था। तो यहाँ पे आने के बाद वो गैप भी मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं इंडिया से फाइल की प्रोसेस कर रहा था तो मेरा रिफ्यूज़ल आ रहा था, उसका यही कारण था कि गैप नहीं अच्छे से शो हो पा रहा था कि क्या किया है आपने इन बिटवीन। बट यहाँ पे आने के बाद ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी कि मेरे को गैप दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे आने के बाद जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे एडमिशन लेते हो, ये कभी भी आपसे ये नहीं पूछते कि आपने इन बिटवीन क्या किया। इन्होंने मेरे से वही कुछ नहीं पूछा कि आपने 2016 में 12th करके क्या किया। मैंने बस अपने 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स लगाए और अपना स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे आने के बाद कुकरी में लॉन्च कर दिया, जिसकी कॉलेज में मैंने जैसे यहाँ पे डायरेक्ट विज़िट किया, जैसे इंडिया में हम एजेंट बोलते हैं आपका 2 हफ्ते में ऑफर लेटर आएगा, 3 हफ्ते में आएगा, यहाँ पे अगर आप यकीन माने मैं कॉलेज में गया सेम डे, मेरा अलियांस कॉलेज था यहाँ पे एडिलेड में, तो मैंने कॉलेज में विज़िट किया तो सेम डे उन्होंने कहा आप बैठें
और उन्होंने विद इन 20 मिनट्स में मेरे को मेरा ऑफर लेटर दे दिया, क्योंकि मेरे पास स्कैन मेरी पासपोर्ट की कॉपी थी, मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास सब कुछ था। तो मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने 20 मिनट में मेरे को ऑफर लेटर जनरेट करके दे दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने भी फाइलिंग की प्रोसेसिंग करवा रखी थी इंडिया में। मैं देखता था एजेंट कैसे काम कर रहे हैं, वो महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना तो ऑफर लेटर मंगवाने में लगा देते थे। अगर यहाँ डायरेक्ट अगर हम कॉलेज में विजिट करते हैं, वो स्ट्रेट वे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स से वो हैप्पी हैं तो स्ट्रेट वे आपको वो ऑफर लेटर दे देते हैं। उन्होंने मेरे को $2,000 लिए, जो इंडिया का तकरीबन ₹1,00,000 बनता है COE देने का। मैंने उनको $2,000 सबमिट किए, उन्होंने COE दे दी, तो मैंने COE को लगा के अपना वीज़ा लॉन्च कर दिया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। विद इन 1 month के बाद मेरे को वीज़ा उन्होंने ग्रांट कर दिया, स्टूडेंट वीज़ा। तो ये मेरी जर्नी थी, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था। अगर आपका भी कोई भाई बहन या कज़न कोई भी रहता है तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है, नो मैटर कि वो किस वीज़े पे है। और कभी भी अगर आप भी मेरी तरह लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2016 से ट्राई कर रहा था और मैं 2019 में आया, मैं सोच रहा था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, बट मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ना आके मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आया। जब तक आपका यहाँ पे दाना पानी नहीं लिखा है तो आप वहाँ पे स्ट्रगल करते रहेंगे। जिस दिन आपका दाना पानी यहाँ का लिख दिया है ऊपर वाले ने, तो आपको यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं हार मान चुका था तब मेरे को कॉल आती है, जब मैं खुद हार मान गया था कि भाई मैं अब क्या करूं, तो उस टाइम मैंने कहीं से कुछ ट्राई करना तक छोड़ दिया था, तब मेरे को ऑटोमेटिकली एजेंट की कॉल आती है कि आपको बाहर जाना है। तो उनकी कॉल आई और मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया और टूरिस्ट वीज़ा से मैं सक्सेसफुली स्टूडेंट वीज़ा भी लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने वर्क परमिट भी लिया, वर्क परमिट में मैंने अपना शेफ़ का 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाया, जिसके बिहाफ पे मैंने अपना वीज़ा भी डाला PR का, और मैं यहाँ पे PR भी हो गया। ये मेरी पूरी स्टोरी थी टूरिस्ट वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। आप कैसे सक्सेसफुली चेंज करा सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के बाद आप वर्क परमिट भी ले सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद PR भी हो सकते हैं। ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप ऐसे अपनी सक्सेसफुल जर्नी नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ पे, तो आप लोगों के सामने मेरी जो भी मेरी सच्चाई थी, जो भी मेरे वीज़े की ट्रुथ था, जो भी मेरा स्ट्रगल था, मैंने आप लोगों को सारा बताया। कभी भी आपको ये हिम्मत नहीं आ रही है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता था। जिस वे से मैंने सोचा था मैं कभी भी उस वे से यहाँ पे आ नहीं पाया, क्योंकि मेरा आना ही यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे लिखा हुआ था, और टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे आके स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कराना था। इंडिया से तो मैं स्टूडेंट वीज़ा में ट्राई कर ही रहा था, मेरे रिफ्यूज़ल आ रहे थे, बट जब ऊपर वाले ने लिखा हुआ था कि आपको तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है। तो आप लोगों में से जो भी कोई अगर इस चीज़ को सोच रहा है कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा, कुछ करो ये वो, मैं काफ़ी तंग आ गया हूँ अपनी लाइफ की सिचुएशन से, तो उस चीज़ों को देख के आप लोग ये कर सकते हैं कि आप वेट करें और आपका कभी ना कभी तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम बन ही जाएगा, जैसे मेरा बना है। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल भी आए, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे थे, तो स्ट्रगल से आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने ही फील्ड में आप लोगों को स्टडी करनी है, अपने फील्ड में स्टडी करने के बाद आपको अपने ही फील्ड में जॉब करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे PR हो जाओगे। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पे न्यू है। और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज़।